सो वेल माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों में बहुत सारे बच्चे मैसेज करो कि भैया सॉल्यूशन बता दीजिए। अब चलिए सॉल्यूशन बता देते हैं क्योंकि क्लास करा रहे थे इसलिए लेट हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन था, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। मैं तो आपको रीजन के साथ बोल रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। स्टिल अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम कहाँ से आता है? टर्सरी सेक्टर। चिल्ला चिल्ला के महाभारत वाले वीडियो में पढ़ाए थे, बोलो हाँ कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द चेंज इन द पॉवर्टी लाइन मेजर्स? रंगराजन कमिटी। ये क्वेश्चन रंगराजन कमिटी होगा, आप बताना कि आपका सही है कि गलत है। नीति आयोग कौन से ईयर में आया था? बाबू 2015 होगा, 2015। छेलिया कमेटी कौन से, किससे रिलेटेड है? बाबा छेलिया, छेलिया कमेटी रिलेटेड है टैक्स रिफॉर्म से। मोनोपोलिस्ट ऑलवेज सेट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑन दैट पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व वेयर। मोनोपोलिस्ट हमेशा किस लेवल पे प्राइस सेट करता है? तो उस लेवल पे प्राइस सेट करता है जहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा। आंसर विल बी सी वाला, ऑप्शन सी। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, सी वाला आंसर होगा, ग्रेटर देन वन। एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट का आंसर होगा बाबू बी वाला, द रेशियो ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट टू द फैक्टर इंप्लॉयड। क्लियर है गाइस, रेशियो फैक्टर कॉस्ट टू द फैक्टर इंप्लॉयड, आंसर सिक्स का बी होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिक्स का बी होगा। इन अ मोनोपोली मार्केट एआर इज ग्रेटर देन एमआर, आंसर होगा इसका बी, फॉर ऑल पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। ऑल पॉजिटिव लेवल पे मतलब कोई भी आउटपुट पे, कोई भी प्रोडक्शन लेवल पे एवरेज रेवेन्यू हमेशा बड़ा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, बोलो हाँ कि नहीं। बोलो कमेंट करो हाँ कि नहीं, आपका कितना सही है कितना गलत है जरूर बताइएगा, और डरिएगा मत, अपने स्कोर बताइएगा। द किंग डिमांड कर मॉडल ऑफ द ओलिगोपोली वाज गिवन बाय, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था आपके भाई ने, स्विजी। नेट नेशनल प्रोडक्ट 150, डेप्रिसिएशन 50, जीएनपी कितना होगा? बाबा जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो एनएनपी आता है, तो एनएनपी में डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिएगा तो जीएनपी आएगा, आंसर होगा 200 करोड़। आंसर होबे 200 करोड़, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू 100 डेज, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इन द मोनोपोली द टोटल रेवेन्यू विल बी, प्राइस इलास्टिसिटी 1 होगा तो टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट होगा और मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंट। कॉसी रेंट कौन दिया था? कौन दिया था? मार्सेल। 12 हो गया, 13 में आओ। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इंक्रीजेस इफ प्राइस इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी में और मोनोपोली के डिग्री में इनवर्स रिलेशन है। कैसे रिलेशन है बताओ? इनवर्स। ट्रांसफर अर्निंग इंप्लाइज, ट्रांसफर अर्निंग इंप्लाइज द मिनिमम सप्लाई प्राइस। ब्लॉक प्राइसिंग किससे रिलेटेड है? पहला लाइन ही कल के क्लास में मैंने यही पढ़ाया था, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 15 का आंसर भी होगा। 16 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मोनोपोली का फीचर नहीं है। 16 का आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अंडर डेवलप कंट्री? अंडर डेवलप कंट्री का कौन सा फीचर नहीं है? तो अंडर डेवलप जो लोग कंट्री होते हैं ना उसका बोला है कौन सा फीचर नहीं है, तो क्वेश्चन में देखिए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लेस डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, आंसर 17 का बी होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। 17 का आंसर बी। नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड बाय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एफसी आंसर होगा, ठीक है बाबू, एनएनपी एफसी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच सेक्टर इंडिया इज रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ द ग्रोथ? इंडिया का ग्रोथ का सेक्टर जो इंजन है ना वो सर्विस सेक्टर ही है। सर्विस सेक्टर है तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो है तो मुझे और क्या चाहिए, बस वही कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू सरप्लस लेबर? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तभी होता है जब लेबर ज्यादा हो। इफ द इक्वेशन ऑफ डिमांड कम इन द मोनोपोली मार्केट इज गिवन बाय पी इक्वल टू 12 - 3Q, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? -3 को इंटू 2 कर दीजिए, आंसर होगा -6। अब देखो आंसर बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, अब कमेंट करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा कि आप मूर्ख है, कोई बोलता कमेंट करता है कि आप क्या जानते हैं, अब उस बच्चे लोगों को क्या बोलेंगे बताइए, ठीक है, अब बचपना है उसके अंदर। आंसर होगा -3 × 2, देख रहे हो आंसर होगा -6। जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है गाइस? जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आंसर होगा जीएनपी -NFIA वाला ऑप्शन है। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं है लेकिन लोन देता है? आंसर होगा लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ये इंस्टीट्यूट थोड़ी है ना है पगला। द नेम ऑफ द कमिटी विच वॉज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रिलेटेड नरसिम्हा कमेटी नहीं है बाबा, मल्होत्रा कमेटी होगा आंसर, आंसर होगा मल्होत्रा कमेटी। स्विजी मॉडल में किंग डिमांड कर्व कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस एमआर, आंसर विल बी डिसकंटिन्यूअस एमआर। एआर 20 एमआर 10 देन आंसर कितना होगा? 2। एआर 20 एमआर 10 देन आंसर कितना होगा? 2। इसका फॉर्मूला है प्रॉपर, फॉर्मूला कैसा है बोलिए? एमआर इक्वल टू एआर 1 - 1 / ई। सॉल्व करिएगा ना उस फॉर्मूला से तो आंसर आपका 2 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा।
NRLM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. यस, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एडवर्स BOP? एडवर्स BOP का कौन सा रीजन नहीं है? आंसर होगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस. कैपिटल अकाउंट सरप्लस रीजन नहीं है. क्लियर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? गरीबी का कारण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इनइक्वालिटी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल. आंसर होगा सी, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए गरीबी ज़्यादा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में कौन सा नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 10. आंसर होगा कैपिटल रिसिप्ट. 11 वाला तो कल ही कराए थे, इसका ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो दिया जिसमें 5000 व्यूज है. कल वाला इसका आंसर क्या होगा देखिए, सिंपल 7500 को 500 से डिवाइड करिएगा, 15 आएगा. 15 होगा और 5000 होगा. इसका आंसर 15 होगा और 5000 होगा. क्लियर गाइस? 15 होगा और कितना होगा बताइए? 5000. क्लियर है? चलो 15 और 5000 किए हो ना आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. 12 नंबर में चलिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब होगा? जब दो मार्केट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सब मार्केट्स आर डिफरेंट. आंसर विल बी 12 का ए होगा. ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे हुआ था? चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था भाई, वीट. इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को वीट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं. विच ऑफ द इकोनॉमी से दैट वन ऑफ द साइन ऑफ डेवलपमेंट इज द डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर? वो कौन से इकोनॉमी से जिसने कहा था कि कंट्री में प्राइमरी सेक्टर कम होगा तो आप तरक्की करोगे? क्लार्क एंड फिशर, कल भी पढ़ाया था ये बात. P40 MC20, आंसर कितना होगा? इसका आंसर आएगा 0.5. आप सॉल्व कर लीजिएगा, P माइनस MC बाई P का फॉर्मूला में सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 0.5. फर्स्ट डिग्री में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस जीरो. 16 का आंसर सी. मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? बाबा कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दुटो काचाकाची थाके, ताई बोले आंसर की हो बे सी वाला, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट को एग्जिस्ट. नबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982. आंसर विल बी 1982. देख रहे हो ना भाई, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज बाई. देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में ना नॉर्मली नॉर्मल प्रॉफिट होता है. क्लियर है? नॉर्मली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, समझे ना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से राइट आंसर होगा बी, एक्सेस कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लॉस. चलिए 19 हो गया, अब 20 में चलते हैं. इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मोनोपोली सेट द प्राइस एट द पोर्शन ऑफ द डिमांड वेयर प्राइस इलास्टिसिटी इज. प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन. आंसर होगा ग्रेटर देन वन. क्लियर? 21 में आइए. फॉर अ मोनोपोली फॉर्म द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एज. आंसर होगा 21 का आंसर होगा प्राइस ग्रेटर देन MR, P ग्रेटर देन MR ऑलवेज. कार्टेल इज ऑब्जर्व्ड इन ओलिगोपोली मार्केट. कार्टेल ओलिगोपोली में होता है. 22 का आंसर बी. नॉमिनल GDP इज मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइजेस. नॉमिनल GDP मतलब करेंट मार्केट प्राइजेस. NNP 24 में देखिए, NNP एट मार्केट प्राइस 1000, इनडायरेक्ट टैक्स 50, सब्सिडी 30. आंसर कितना होता है कि आपका भाई ओरली बोल रहा, 1000 माइनस 50 प्लस 30. 1000 माइनस 50 950. 950 में 30 जोड़ोगे 980. आंसर कितना होगा? 980. प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ भाई. सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक देन इन इलास्टिक देन इकोनॉमिक रेंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द ट्रांसफर अर्निंग. आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा ट्रांसफर अर्निंग वाला. उसके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? कौन सा मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर नहीं है बताइए? आंसर होगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट मिनिमम पॉइंट ऑफ LSE. कौन सा नहीं है? तो आंसर ये होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LSE नहीं होगा, फॉलिंग पार्ट ऑफ LSE होता है, तो इसीलिए यही गलत होगा. सर्विस लेड ग्रोथ इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सम न्यू इकोनॉमिक सेक्टर सच एज. इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो क्या किया बताइए? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर. आंसर इंडिया में बी और सी दोनों ही ग्रोइंग है दोस्तों. बी भी बहुत ग्रो कर रहा है और सी भी बहुत ग्रो कर रहा है. 27 का आंसर हो गया. अब आते हैं 28, 29, 30, और आप कमेंट करके बताना कि आपने स्कोर कितना किया. मेरा फोटो देख लिया ना, आ जाओ. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोज. इंडिया में मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है. आंसर होगा सी, मैक्सिमम शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर. लोग इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन इनकम कहाँ से बताइए? सर्विस सेक्टर. मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था. रेंट विच अराइज ड्यू टू डिफरेंसेज इन फर्टिलिटी. आंसर विल बी डिफरेंशियल रेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओलिगोपोली. आंसर होगा बी वाला, इनडिटर्मिनेसी इन द इक्विलिब्रियम. चलिए बाबू अंदर, इनडिटर्मिनेसी इन द इक्विलिब्रियम. सो गाइज, आई होप सारे आंसर्स आपको मिले हो. स्टिल अगर किसी कोई आंसर में कंट्रोवर्सी हो, आपको डाउट हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. और EDBE का जो नोट्स दिया उसको पढ़ो. कल 2 बजे से EDBE का महाभारत होगा. थैंक यू सो मच.